क्रिटिक्स तरण आदर्श ने लहराई फ्लॉप की हरी झंडी राधे फिल्म को लेकर। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल में। जी हाँ, फाइनली तरण आदर्श ने अपना रिव्यू रिएक्शन दे चुके हैं राधे फिल्म को लेकर और उन्होंने दिया है सिर्फ 2 स्टार। जी हाँ, सिर्फ 2 स्टार दिया है इस फिल्म से जुड़ी। और आखिरकार क्यों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक एक चीज। पहली बात तो यह है कि आखिरकार उनका साफ साफ ये कहना है कि इस फिल्म के जो प्लॉट है, इस फिल्म के जो स्क्रीन राइटिंग है, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं किया गया है। सिर्फ जहाँ तक इस फिल्म के जो रणदीप हुड्डा हैं, इस फिल्म के गौतम गुलाटी हैं, मिस्टर संगय हैं, वो आखिरकार कहाँ से आए, क्यों आए, क्या कारण है, आखिरकार कोई कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं किया गया है। इसके स्क्रीन राइटिंग पर बिल्कुल फोकस नहीं किया गया है। इसके कई सारे एक्शन सीन पर भी कई सारे फोकस नहीं की गई है, जिस कारण से इस फिल्म को बिल्कुल फ्लॉप बताई जा रही है। अब बात करते हैं सलमान खान और साथ में इस पे दिशा पाटनी पर। तो दिशा पाटनी का बहुत ही कम फोकस था, कम ही सीन दिखाई गई, वो चलो ठीक है, मगर सलमान खान पर ही ये फिल्म टिका हुआ था। और सलमान खान का जो सीन बहुत ही बेहतर था, उनका जो एक्शन सीन वो भी काफी बेहतर था। और सलमान खान को लेकर जो भी था, उन्होंने क्रिटिक्स ने बहुत ही तारीफ किया। बल्कि आपको बता दूं, सिर्फ एक ही कमी था इसके स्क्रीन राइटिंग और इसके प्लॉट पर फोकस नहीं किया गया, जिस कारण से इस फिल्म को सिर्फ 2 स्टार मिला है। अब बात करते हैं सलमान खान की बदौलत ही ये फिल्म ने बहुत अच्छी कलेक्शन कर पाएंगे, मगर इसके स्क्रीन राइटिंग और इसके आखिरकार जो प्लॉट था, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं किया गया, जिस कारण से इस फिल्म को क्रिटिक्स तरण आदर्श के तरफ से हरी झंडी देते हुए, हरी झंडी नहीं बल्कि फ्लॉप की झंडी देते हुए आखिरकार इस फिल्म को 2 स्टार दिया गया। और बिल्कुल जिस कारण से ये फिल्म अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये तो अब नहीं कह सकता हूँ, मगर आप लोग का क्या रिएक्शन है, क्या ये फिल्म को 2 स्टार मिलना चाहिए या 3 स्टार मिलना चाहिए या 5 स्टार मिलना चाहिए या बिल्कुल कुछ नहीं मिलना चाहिए, इस पर आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर दें। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।